नदवई के गांव जहांगीरपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव सम्मान समारोह एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य हरिराम की अध्यक्षता में हुआ। मुख्य अतिथि प्रधान मुन्नी देवी, सरपंच भूपाल सिंह रहे, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं व उनके अभिभावकों सहित अन्य ग्रामीणों ने भाग लिया। सरस्वती माँ के समक्ष दीप प्रज्वलन कर व पुष्प चढ़ाकर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम के आरंभ में छात्राओं ने मोहिक सरस्वती गान प्रस्तुत किया। इसके बाद छात्राओं ने शिक्षा व देशभक्ति और बेटी बचाओ कार्यक्रम पर आधारित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर समारोह में उपस्थित सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा ही विकास की कुंजी है। शिक्षा के बिना कोई भी परिवार, समाज या देश आगे नहीं बढ़ना सकता। उन्होंने बालिकाओं की उच्च शिक्षा पर भी विशेष जोर देते हुए प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को पुरस्कृत व सम्मानित किया। R9 भारत के लिए। मैं बच्चों के लिए केवल यही कहना चाहूँगा कि बच्चे हमारे भविष्य हैं, इनसे हमें उम्मीद है हमारे भारत को, हमारे भरतपुर को, हमारे राजस्थान को ये आगे बढ़ाएंगे। विशेष तौर पर बच्चियाँ, उनका अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत जरूरी है। आजकल रोज हम अखबारों में पढ़ते हैं कि शादी हो गई, शादी होने के बाद में पिता मनचाह वर ढूंढता है, पैसे लगाता है शादी में और फिर उनको वो छोड़ देते हैं। तो वो अपने पैरों पे खड़ी होंगी तो कोई किसी को नहीं छोड़ेगा, वो अपना खुद का कमाएंगी, खुद का अपना अपने पैरों पे खड़ूंगी। तो बच्चियों को तो विशेष तौर पे, मैं खुद भी, मेरे एक बेटी है एक बेटा है, मैं बेटी पे ज़्यादा खर्च करता हूँ, उसको अच्छी शिक्षा दिला रहा हूँ मैं बजाय बेटे के। बेटा मेरा घर ही रहता है, घर ही पढ़ा रहा हूँ मैं उसको। बेटी मेरी MGD में पढ़ाई, पहले मैंने जयपुर में, फिर अब DU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। यहाँ के लोगों का पचपना होते हुए उनके काफी शुक्रगुजार रहेंगे अगर ऐसी घोषणाएं जिला परिषद के द्वारा आती है। मैं पूर्व प्रमुख साहब से गुजारिश करूंगा कि वो कुछ। चंद्रशेखर की रिपोर्ट, नदबई से।